किसानों को रोकने के लिए देश की राजधानी दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मिट्टी तक यहां पर डाली गई है। ये मिट्टी डालने का मुख्य कारण ये है कि जो लोहे के कंटेनर पुलिस ने यहां पर रखे थे उनको किसी भी तरीके से हिलाया ना जा सके। ये पीछे की तस्वीरें हैं, किसान जहां तक पहुंचने बिल्कुल असंभव होगा उनके लिए यहां पर पहुंच पाना। आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि जहां पर एक संकरा रास्ता है जिससे जो बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र पार्ट वन और पार्ट टू को शहर से जोड़ता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सिर्फ पैदल व्यक्ति ही यहां से गुजर पा रहे हैं, एक साइकिल ले जाने का प्रयास कर रहे हैं युवा। यहां से रोजाना लाखों की संख्या में जो श्रमिक हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं, वो यहां से होकर गुजरते हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल भी है, एक निजी अस्पताल जहां जाने के लिए भी इसी रास्ते का प्रयोग आमतौर पर लोग कर रहे हैं। आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कंक्रीट की बैरिकेड लगाए गए हैं, कंक्रीट की दीवार बनाई गई है और इसी दीवार पर जो अर्ध सुरक्षा बल हैं उनके जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। आईटीबीपी के जवान यहां पर मुस्तैदी से खड़े हुए हैं। कटीले तार, लोहे के बैरिकेड्स भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर लगाए गए हैं। अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो यहां पर बीएसएफ और आईटीबीपी के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। इतना ही नहीं, पुलिस की 11 कंपनियां भी यहां पर तैनात की गई हैं। देखिए किस तरीके से यहां पर कंक्रीट के बैरिकेड भी लगाए गए हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर इनके अंदर भी एक दीवार और बनाई जा सके। दीवार के बीच में ही जो है वो सरिये डाले गए हैं ताकि जब आवश्यकता पड़े तो एकदम से यहाँ पर कंक्रीट का घोल डालकर पूरी पक्की दीवार बनाई जा सके। कटीले तारों से लैस बैरिकेडों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ाने का काम पुलिस और प्रशासन की तरफ से किया गया है, क्योंकि पंजाब के बॉर्डर्स पर जब किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं तो अभी फिलहाल वो वहीं पर हैं, शांतिपूर्ण माहौल है, बातचीत चल रही है किसानों की और जो राजनेता हैं केंद्रीय नेतृत्व है उसके साथ, लेकिन अभी भी यहाँ पर पुलिस मुस्तैदी के साथ डटी हुई है और अपनी व्यवस्थाएं पूरी करने में, बढ़ाने में जुटी हुई है ताकि किसान जब यहाँ पर पहुंचे, किसान आंदोलन उग्र हो, तो किसी भी तरीके से वो देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एंटर ना कर सके। इस जो बैरिकेटिंग है ये करीब करीब 100 फीट चौड़ी दीवार यहाँ पर की गई है। इसकी अगर बात की जाए तो ऊंचाई लगभग 7 से 8 फीट तक की है, जिसे पार पाना किसानों के लिए बेहद नामुमकिन साबित हो सकता है। लेकिन देखना होगा कि कल होने वाली वार्ता में किसानों और केंद्रीय नेताओं के बीच में कोई समाधान निकल पाता है या नहीं, किसान अपने घर जा पाते हैं या फिर आंदोलन आगे ऐसे ही जारी रहता है। News 18 प्रदीप धनखड़, टीकरी बॉर्डर। किसानों को रोकने के लिए देश की राजधानी दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मिट्टी तक यहां पर डाली गई है। ये मिट्टी डालने का मुख्य कारण ये है कि जो लोहे के कंटेनर पुलिस ने यहां पर रखे थे उनको किसी भी तरीके से हिलाया ना जा सके। ये पीछे की तस्वीरें हैं, किसान जहां तक पहुंचने बिल्कुल असंभव होगा उनके लिए यहां पर पहुंच पाना। आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि जहां पर एक संकरा रास्ता है जिससे जो बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र पार्ट वन और पार्ट टू को शहर से जोड़ता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सिर्फ पैदल व्यक्ति ही यहां से गुजर पा रहे हैं, एक साइकिल ले जाने का प्रयास कर रहे हैं युवा। यहां से रोजाना लाखों की संख्या में जो श्रमिक हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं, वो यहां से होकर गुजरते हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल भी है, एक निजी अस्पताल जहां जाने के लिए भी इसी रास्ते का प्रयोग आमतौर पर लोग कर रहे हैं। आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कंक्रीट की बैरिकेड लगाए गए हैं, कंक्रीट की दीवार बनाई गई है और इसी दीवार पर जो अर्ध सुरक्षा बल हैं उनके जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। आईटीबीपी के जवान यहां पर मुस्तैदी से खड़े हुए हैं। कटीले तार, लोहे के बैरिकेड्स भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर लगाए गए हैं। अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो यहां पर बीएसएफ और आईटीबीपी के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। इतना ही नहीं, पुलिस की 11 कंपनियां भी यहां पर तैनात की गई हैं। देखिए किस तरीके से यहां पर कंक्रीट के बैरिकेड भी लगाए गए हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर इनके अंदर भी एक दीवार और बनाई जा सके। दीवार के बीच में ही जो है वो सरिये डाले गए हैं ताकि जब आवश्यकता पड़े तो एकदम से यहाँ पर कंक्रीट का घोल डालकर पूरी पक्की दीवार बनाई जा सके। कटीले तारों से लैस बैरिकेडों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ाने का काम पुलिस और प्रशासन की तरफ से किया गया है, क्योंकि पंजाब के बॉर्डर्स पर जब किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं तो अभी फिलहाल वो वहीं पर हैं, शांतिपूर्ण माहौल है, बातचीत चल रही है किसानों की और जो राजनेता हैं केंद्रीय नेतृत्व है उसके साथ, लेकिन अभी भी यहाँ पर पुलिस मुस्तैदी के साथ डटी हुई है और अपनी व्यवस्थाएं पूरी करने में, बढ़ाने में जुटी हुई है ताकि किसान जब यहाँ पर पहुंचे, किसान आंदोलन उग्र हो, तो किसी भी तरीके से वो देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एंटर ना कर सके। इस जो बैरिकेटिंग है ये करीब करीब 100 फीट चौड़ी दीवार यहाँ पर की गई है।
इसकी अगर बात की जाए तो ऊंचाई लगभग 7 से 8 फीट तक की है, जिसे पार पाना किसानों के लिए बेहद नामुमकिन साबित हो सकता है। लेकिन देखना होगा कि कल होने वाली वार्ता में किसानों और केंद्रीय नेताओं के बीच में कोई समाधान निकल पाता है या नहीं, किसान अपने घर जा पाते हैं या फिर आंदोलन आगे ऐसे ही जारी रहता है। न्यूज 18, प्रदीप धनखड़, टीकरी बॉर्डर।